तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आज मैंने मिड कैप निफ्टी में ट्रेड किया और 4500 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से और कितना प्रॉफिट अर्न किया है हमने। तो ये रहा मेरा आज का पीएनएल 4700 रुपीज़। तो इसमें से मैंने चार्जेस लेस करके आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपकी ब्रोकरेज और चार्जेस भी लगते हैं। तो जो हमारी यूनिकनेस है वो है हमारा सेंसिबल का वेरीफाइड पीएनएल। तो इससे होता क्या है, इससे हम डिफरेंट दिखते हैं बाकी जितने भी इंडिया में यूट्यूबर्स हैं। तो कोई भी इंडिया में वेरीफाइड पीएनएल नहीं डालता है कंटिन्यूसली, डालते हैं तो वो जेन्यून है, लेकिन जो कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर्स हैं वो वेरीफाइड पीएनएल कभी नहीं डालते हैं। लेकिन हम लोग डालते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करना जानते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न करते हुए आ रहे हैं। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप भी इसी तरीके का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि आज किस तरीके से और किस किस बेसिस पर हमने ट्रेड किया है। तो सबसे पहले हमारा व्यू देखते हैं कि आज का व्यू क्या था। तो एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा था, ये देखिए, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 10418 पे। आज मैंने मिड कैप निफ्टी पर ट्रेड किया था तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट था यहाँ पर। तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग से बैठा था, तो देखिए यहाँ पे जैसे मार्केट ऑन स्टार्ट होता है तो मैं स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा वॉलीडिलिटी थी, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि वहाँ पर स्पाइक्स में बहुत ही जल्दी स्टॉप लॉस हंट होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ पर ये 10418 पर। तो यहाँ से डंकिया चैनल पे एक अच्छी ट्रेड मिल रही थी और यहाँ पर इसने इनगल्फिंग पैटर्न के साथ यहाँ पर बहुत बढ़िया ट्रेड दी। ये मेरा एक कह सकते हैं थोड़ा सा लक भी यहाँ पर काम किया। यहाँ पर जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, ये ऑप्शन 8-10 रुपए का था और मैंने टारगेट भी अपना लगा दिया था लिमिट ऑर्डर में, तो इंस्टेंटली एक स्पाइक आई, बहुत ही तेज़ी से स्पाइक आई। तो यहाँ पर ये मेरा प्रॉफिट जो हो गया बुक, और ये मेरा 30 रुपए तक का प्रॉफिट बुक हो गया यहाँ पर। मैंने सिंगल ट्रेड में यहाँ पर अपना जो 1-3 का रिवॉर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड था वो उसे बुक कर लिया। लेकिन जैसे ही मार्केट आगे चलते गए तो फिर से मुझे आगे ट्रेड मिली, मैं रिवर्सल का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिली, यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन अच्छा नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर एक 11:13 पर एक ट्रेड मैंने फिर से ली, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट मिला और एक अच्छी ट्रेड चल रही थी। स्पॉट वाइज अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन आज मार्केट में थीटा काफ़ी अच्छा था तो सेलर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद मिली होगी, तो इसलिए मेरी जो ट्रेड हुई वो ये वाली अनसक्सेसफुल हो गई। क्योंकि मैं अगर एज़ पर ऑप्शन की चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए सेम टाइम फ्रेम के हिसाब से 11:15 यहाँ पर है और 11:15 ऑप्शन की चार्ट पे मैंने बिल्कुल सही जगह ट्रेड ली। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये इसमें थीटा होने की वजह से ये मेरी ट्रेड लॉस में ही कटी। तो ये मैंने बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी से ली थी क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत कम रह गया था, 10500 पे ही मैंने पूरे दिन काम किया, मात्र 2 ट्रेड ली। और जैसे ही ये वाला इसमें लॉस हुआ, तो स्टार्टिंग में जब मेरी पहली ट्रेड में प्रॉफिट आया था तब रनिंग पीएनएल चल रहा था 11000 रुपये, लेकिन जब ये दूसरे वाले का लॉस लगा, इसमें थोड़ी क्वांटिटी मैंने इंक्रीज़ कर दी थी, तो इससे क्या हुआ, मेरा मोर देन हाफ पीएनएल कम हो गया और काफ़ी ज़्यादा मुझे लॉस इसमें आ गया। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं 4700 के प्रॉफिट पर उठ गया। तो इस तरीके से आज मैंने ट्रेड करी है। तो अब क्या करते हैं, आगे कल का देख लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक नई सीरीज और एक नए तरीके से वीडियो बनाते हैं कि मैं आज का पीएनएल एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आज मैंने ट्रेड किया, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दिया करूँगा कि आपको कल किस बेसिस पर ट्रेड करनी है। ज़्यादातर प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड होगी, तो मैं आपको सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस ये सब सारी चीज़ें बता दिया करूँगा, इससे आपको हेल्प मिला करेगी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक निफ्टी की चार्ट लगा लेते हैं, निफ्टी यूनिवर्सल चार्ट रहेगी तो उससे ज़्यादा सही रहेगा। मैं एक्सपायरी वाइज नहीं जा रहा हूँ, वैसे कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन मैं निफ्टी के ऊपर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो हमारी निफ्टी पर ही ट्रेड करती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 15 मिनट की चार्ट लगाते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना अच्छा एक सपोर्ट जोन ये बन रहा है। मैं इसको डीसी को हटा देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए आप कितना अच्छा सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। तो ये देखिए, अगर इस लाइन को यहाँ से ब्रेक करता है, 21900 को यहाँ पर ब्रेक करता है, तो काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर आ सकती है। तो आप कल बिल्कुल इंतजार में बैठिए कि अगर आप
को पुट बाय करने का समय मिले और मौका मिलता है कहीं पर भी, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि ये क्विक स्पाइक्स होंगी, मार्केट उस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी तरीके से सारी चीज़ें प्राइस इन हो जाएंगी और उसी तरीके से सारी चीज़ें बिहेव करेंगी। तो ये है कल का कुछ छोटा सा एक ट्रेड, अगर आप कह सकते हैं, अगर इसे ब्रेक करता है तो। और भी मैं चीज़ों को ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी जो ज़्यादातर मेरा फोकस है वो यही है कि मैं जो प्रॉफिट कर रहा हूँ उस पर मैंने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से ट्रेड की, वो मैं आपको बता सकूँ। तो यही है सारी चीज़ें। तो ये सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है हमारा वेरीफाइड पैनल। आपको वेरीफाइड पैनल की लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से हमारा देख सकते हैं। और साथ ही साथ में हिस्ट्री ऑफ वेरीफाइड पैनल भी है हमारा, अभी 3 दिन की हिस्ट्री है क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली चालू किया है, और ये अगर रेगुलरली वीडियो आएंगी, जो कि आएंगी ही, तो ये सारी हिस्ट्री ऐड ऑन होती जाएगी, महीने की, साल की, ज़्यादा 2-3 सालों की ऐड ऑन होती जाएगी, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर आपको दिखता रहेगा। और इसमें लॉसेस भी होंगे, ऐसा नहीं है कि ओनली प्रॉफिट होगा, बीच बीच में लॉसेस भी होंगे, तो वो उसकी भी हिस्ट्री होगी, और ज़्यादातर प्रॉफिट होंगे उसकी भी हिस्ट्री होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं एक गुड नोट के साथ, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कल के वीडियो में या फिर जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं उसमें देखते हैं।